हेलो गाइस, वेलकम यू इन इंग्लिश फॉर लेट्स लर्न इंग्लिश। गाइस कैसे हैं आप? आई होप एवरीथिंग विल बी गुड। गाइस आज का जो सेशन है हमारा, वो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो नेक्स्ट सेशन होगा वहां से हम आपके टेंसेस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आज का जो लेक्चर है वो बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि आप करते हुए तो आ रहे हैं लेकिन अभी जो है अभी क्या करना है आपको, पूरा टोटली आपके दिमाग में इनकलकेट करना है कि मुझे के सब्जेक्ट और वर्ब क्या होता है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को, जो बिगिनर्स हैं, उनको क्या होगा, टेंसेस बनाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है वर्ब में, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो आज मैं जो आज करा दूंगा तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट जो मेरा सेशन आएंगे टेंसेस को, उनको उसमें सब्जेक्ट में और वर्ब में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आज सब्जेक्ट को और वर्ब के जो भी आपके डाउट्स हैं वो सबको दूर करने के लिए मैं आज का जो सेशन लेकर आया हूँ, बहुत छोटा सेशन है लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव है। ठीक है, आइए विदाउट गेटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट की बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया है डे वन से लेक्चर वन से कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। जो व्यक्ति जिस काम को करता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट को ही एक्चुअली हम नाउन भी कहते हैं, ध्यान दीजिए एसएससी सीजीएल और कॉम्पिटिशन एग्जाम्स वाले। ठीक है, सब्जेक्ट को ही हम नाउन भी कहते हैं। ठीक है, जो व्यक्ति जिस काम को करता है, जो व्यक्ति जो काम करता है उसे सब्जेक्ट या नाउन कहते हैं। जो इंग्लिश स्पीकिंग जिनका पर्पस है वो सब्जेक्ट पे ध्यान दें, और जो वो दोनों पे ध्यान दें जो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स बने हैं, और नाउन भी सब्जेक्ट को कहते हैं। ठीक है, मतलब आइए देखिए, जैसे राम, श्याम, आई, वी, यू, दे, ही, शी। ठीक है, ये क्या हो गया, आपके सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, राम हो गया, श्याम हो गया, रवि हो गया, हमीद हो गया, अब्दुल हो गया, ये आपके क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गए। मतलब अब यहां पर क्या है, यहां एनिमल भी हो सकता है, एनिमल भी तो नाउन है, अब यहां गॉट भी हो सकती है, जैसे यहां लिख लीजिए, जैसे गॉट भी हो सकती है, एलिफेंट भी हो सकता है, लायन भी हो सकता है, एक्स वाई जेड, कोई भी एनिमल भी हो सकता है सब्जेक्ट। ठीक है, आई होप समझ रहे होंगे। जो व्यक्ति जो काम करता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, नाउन कहते हैं। अब वो चाहे एनिमल हो चाहे ह्यूमन हो, जैसे राम, श्याम, रवि, हमीद, दिनकर, सोनकर, शीला, संगीता, पुष्पा, एक्सेट्रा। यदि इफ दी अगर नाम नहीं है, नाम की जगह है आई, वी, यू, दे, ही, शी, तो ये भी सब्जेक्ट हैं, तो ये भी सब्जेक्ट हैं। और जो कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो नोट करके छोटा सा हाईलाइट करके लिख दें कि प्रोनाउन लिख दीजिए, प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन, ये प्रोनाउन की स्पेलिंग, प्रोनाउन जो अगर इंग्लिश में वो जो पर्पज इंग्लिश का पर्पज है वो भी लिख सकते हैं, नाउन लिख लीजिए, प्रोनाउन। प्रोनाउन किसे कहते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए, प्रोनाउन। यदि किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ठीक है, राम, श्याम, शीला, पुष्पा का नाम नहीं है लेकिन उनका इशारा है, जैसे ही, शी, यू, वी, दे है, तो उसको प्रोनाउन कहते हैं। मतलब राम नहीं है, राम वहां है तो राम इज देयर, वे वहां है तो ही इज देयर। मतलब नाम ना लेके ही कहा जा रहा है तो वो प्रोनाउन है। ठीक है, पुष्पा वहां है, पुष्पा इज देयर। ठीक है, पुष्पा का नाम नहीं लेकर ये कहा जा रहा है शी इज देयर, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। बस इतना याद रखना है आपको, ये प्रोनाउन है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे, नाउन और प्रोनाउन और सब्जेक्ट, जो तीनों को समझ गए होंगे। ठीक है, प्रोनाउन नाम न होकर किसी व्यक्ति के लिए ही, शी, वी, यू, दे है तो उसे प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, और अगर अगर एनिमल के नाम को भी हम सब्जेक्ट में ही रखेंगे, क्योंकि वो सब काम तो एनिमल भी कर रहा है, एक्चुअली वो भी तो नाउन ही है, एलिफेंट और लायन हो ये भी तो नाउन है, तो ये भी सब्जेक्ट है हमारे। ठीक है, आई होप सब्जेक्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, जब तक आपकी समझ में आए तब तक आप पूछें। हमारी कोई फीस नहीं है, हमारा जो पर्पस है वो जस्ट टू एजुकेट द सोसाइटी, बस हमारा जो वेलफेयर का काम है। अगर समझ में नहीं आता है तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, दस बार पूछे, जब तक समझ में नहीं तब तक पूछते रहे। आपको मैंने कॉन्टेक्ट नंबर ऑलरेडी दे रखा है 7906860411। ठीक है, यू कैन कॉन्टेक्ट टू मी। और आइए अब हम देखते हैं वर्ब, ठीक है, क्रिया।
हिंदी मीडियम वाले जो है क्रिया से आसानी से इजीली समझेंगे, और इसको कहते हैं हम कर्ता। कर्ता लिख लीजिए, हिंदी मीडियम वाले इजीली समझ जाएंगे, ठीक है। वर्ब को कहते हैं हम क्रिया, मतलब वर्ब किसे कहते हैं, एक तो होती है लिंकिंग वर्ब, ठीक है। लिंकिंग वर्ब मैंने आपको करा दी है, ठीक है, लिंकिंग वर्ब मैंने आपको करा दी है, फिर भी एक बार नोट करके लिख लीजिए, दोनों लिख लीजिए, जो भी एग्जाम्स वाले हो वैसे भी हो। लिंकिंग वर्ब जो जो सब्जेक्ट को पूरे ऑब्जेक्ट को जोड़ने में कार्य करती है उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, ये आपकी लिंकिंग वर्ब हो गई, ठीक है। जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ती है उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं, जो सब्जेक्ट को वर्ब से जोड़ती है उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है। ये इज, एम, आर, वॉज, वर, ये लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। अब मेन वर्ब, अब यहां पर जो आप टेंसेस में करेंगे, अब हम मेन वर्ब का काम करेंगे। अब आपको मेन वर्ब करना है कि मेन वर्ब क्या होता है, ठीक है। जो कार्य, जो भी कार्य किया जाता हो, चाहे वो अच्छा काम हो, बुरा काम कभी मत करना, बुरा काम वो भी वर्ब, कोई भी कार्य हो उसे वर्ब कहते हैं। जैसे कूदना, जंप, वॉक, ईट, बार्क, रन, बीट, बैथ, एक्सेट्रा, ठीक है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे आप गाली बकने का काम कार्य कर रहे हो, झगड़ने का कार्य कर रहे हो, बातचीत करने का कार्य कर रहे हैं, खाना खाने का कार्य कर रहे हो, किसी को पीटने का कार्य कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप कोई भी कार्य कर रहे हो, वही वर्ब है, वही मेन वर्ब है। मतलब अब यहाँ पे जोड़ने की बात नहीं हो रही है, अब यहाँ पे करने की बात हो रही है। जो काम किया जा रहा है वही वर्ब है, जो काम किया जा रहा है, जो भी एक्शन किया जा रहा है वो वर्ब है, जो भी एक्शन किया जा रहा है वही वर्ब है, ये याद रखना। अब वो कार्य कोई भी हो सकता है, अब वो कार्य क्या हो सकता है, आप अपना बिजनेस कर रहे हैं तो यू आर डूइंग योर बिजनेस, आप थप्पड़ मार रहे हैं किसी को, ये भी आपकी क्रिया है, और आप किसी से बातचीत कर रहे हैं तो ये भी आपकी वर्ब क्रिया है नहीं है। मतलब जो भी कार्य याद रखना है आपको, नोट कर लेना है, जो भी कार्य किया जाता है उसे वर्ब कहते हैं, नोट कर लीजिए, बहुत ईजी है। जो नहीं करेंगे तो आपको थोड़ी डिफिकल्टी आ सकती है, अगर आप यहाँ पे अपने डाउट क्लियर कर लेंगे तो आई होप आपको जो फ्यूचर जो टेंसेस में आपको वहां कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, इट्स माई प्रॉमिस। बस क्या करना है आपको, यहाँ पर समझना है सब्जेक्ट को भी वर्ब को भी, ठीक है। याद रखें जो कार्य किया जाता है उसे वर्ब कहते हैं। अब वो कोई सा भी कार्य हो सकता है, दुनिया का कोई सा भी कार्य हो सकता है, क्या ट्रेवल करना हो, क्या दौड़ना हो, या कुछ भी हो, ठीक है। आई होप सब्जेक्ट और वर्ब आपको काफी अच्छा समझ में आ गया हो। गाइज अगर आपको सब्जेक्ट और वर्ब समझ में नहीं आया तो यू कैन कॉन्टेक्ट टू मी, ठीक है। इस लेक्चर में फिलहाल तो इतना ही, अब जो सेशन आने वाला है, जो नेक्स्ट सेशन होगा, वहां से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की स्टार्टिंग करेंगे, और 36 जो लाइंस मैंने आपको लगते इंट्रोडक्शन वीडियो में बताई थी वो स्टार्ट होने वाली है। तो मैं आपको एडवाइस दूंगा, बी प्लीज मस्ट ज्वाइन दिस सेशन, एंड आपका जो ये सेशन है 36 जो टेंसेस की लाइन है यू विल हैव टू डू, ठीक है। अगर आपने टेंसेस की लाइन नहीं करी तो आपको इंग्लिश कभी भी नहीं बोलना सिखा सकता, और अगर आपने टेंसेस की 36 लाइन रट ली अंटिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ योर लाइफ तो आपको नोबडी कैन स्टॉप टू यू फॉर इंग्लिश स्पीकिंग, अगर नहीं याद की तो कोई नहीं बुला सकता आपको टेंसेस की 36 के लाइंस, इट्स माय प्रॉमिस, मैं आपको रटा दूंगा इसी यूट्यूब के सेशन में, खुलेआम कह रहा हूँ, रटा के रख दूंगा। कैसे रटनी है ये मेथड भी मैं बताऊंगा, बहुत इजीली मेथड है और बहुत ज्यादा कारगर वाला। अभी जो है यहाँ पे मैं आपको जो कार्य है मेन, ये जो सब्जेक्ट और वर्ब का ये करना है, और जो टेंसेस का रटाने का काम है वो मेरा है, और सिखाने का और बोलने का बुलाने का आपको वो काम मेरा है, ठीक है। बस बी पेशेंस, और इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जहां हम टेंसेस कराएंगे, और तब तक के लिए अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इट विल मोटिवेट टू मी। और आज का जो सेशन हम यही कंक्लूड करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग, थैंक यू।